हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी यूट्यूबर। आज की वीडियो विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। आज की वीडियो के बारे में बताऊंगी आप रिंकल फ्री स्किन किस तरह से पा सकते हैं, जो एंटी एजिंग की समस्या है उसको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं होम रेमेडी की मदद से। तो विंटर के अंदर जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है और उस पर बहुत सारे इस तरह से पैचेस पड़ जाते हैं जो बहुत ही गंदे होते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, तो किस तरह से आप घर पर फेशियल कर सकते हैं वो भी एक ऐसी होम रेमेडी से, जिससे जो आपकी स्किन है वो ग्लोइंग बनेगी, एकदम साफ बनेगी और जो भी रिंकल की प्रॉब्लम है आपकी स्किन पर वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ शहद का फेशियल। आप शहद से अगर फेशियल करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर इतना ज़बरदस्त ग्लो आएगा कि जो भी रिंकल की प्रॉब्लम है या डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो भी शहद काफ़ी हद तक दूर करता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको जिस तरह से बता रही हूँ वैसे ही आपको स्टेप है वो फॉलो करने हैं, जिससे जो रिंकल की प्रॉब्लम है वो दूर होगी और आप अपनी बढ़ती उम्र के अंदर कुछ हद तक कमी ला सकते हैं और अपने आप को कुछ 10 साल कम यंग दिखा सकते हैं, जवान दिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी अगर स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी तो आप उम्र से ज़्यादा बुरे दिखाई देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ क्लिनिंग। तो आप इस तरह से एक बाउल ले लीजिए। इस बाउल में हम सबसे पहले ऐड करेंगे ये हनी। शहद हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है और हमारी स्किन को एकदम क्लीन कर देगा फ्रेंड्स। तो हम इसमें थोड़ा सा शहद इस तरह से मिला लेंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से बनाना है, जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे आप लगाएंगे फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो पहले इसको बनाकर रख सकते हैं, मैं यहाँ साथ साथ में बना रही हूँ और साथ में ही मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी किस तरह से आपको लगाना है फ्रेंड्स। तो हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा क्लींजर बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हो ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और एकदम नरम बना देंगे। ये देखिए, ये क्लींजर बन गया है। अब मैं अपने बालों को सिक्योर कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम कॉटन की मदद से इसको एक तरह से कॉटन डिप करके अपने चेहरे को इस तरह से साफ कर लेंगे, जिससे जो भी डर्ट है वो पूरी तरह से हमारे चेहरे उससे निकल जाएगी। आप देखिए इस तरह से आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, जो भी जमी हुई मैट है वो पूरी तरह से निकल जाएगी। तो ये देखिए, मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लिया। तो चलिए अब हम दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी स्क्रब आपको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर शहद और दूसरी चीज जो हम लेंगे वो होगा चावल का आटा। आप ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं, मैं यहाँ चावल का आटा मिला रही हूँ। तीसरी चीज जो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ वो है दूध। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। और चौथी चीज जो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपके जो भी दाग धब्बे हैं उनको दूर करेगा फ्रेंड्स। तो हम इसमें एलोवेरा जेल मिला लेते हैं। तो हमने इसके अंदर एलोवेरा जेल मिला लिया है। अब इस मिक्सर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिला लिया और ये हमारे कुछ इस तरह का पेस्ट बन जाएगा जो स्क्रब के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब ये हमारा स्क्रब बनकर रेडी हो गया। अब मैं आपको स्क्रब करके दिखाऊंगी। तो हम दोनों हाथों की मदद से इस तरह से धीरे धीरे स्क्रब कर लेंगे अपने चेहरे पर, ताकि जो भी डेड सेल्स है वो पूरी तरह से निकल जाए। स्क्रब कर लिया, जो भी डेड सेल्स थे वो पूरी तरह से निकल गए। अब हमको करनी है फ्रेंड्स मसाज। उसके लिए आप चाहे तो कोई किसी भी बाउल में ले सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से अपने हाथ पर इस तरह से ये शहद लेकर, इस तरह से आप शहद लेकर आप अपने चेहरे पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने आंखों के पास भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जो आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी फ्रेंड्स इस तरह से। मैंने पूरे अपने चेहरे पर ये अच्छी तरह से शहद अप्लाई कर दिया।
हेयर को अप्लाई करने के बाद इस तरह से आप रोज वाटर लेकर अपने चेहरे को हल्का सा वेट कर लीजिए इस गुलाब जल की मदद से और फिर आपको धीरे धीरे मसाज कर लीजिए इस तरह से। आपको नीचे से ऊपर की ओर मसाज करनी है, ना कि आपको ऊपर से नीचे की ओर करनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको इस तरह से मसाज करनी है और ये जो इस तरह से आप दो फिंगर रखिए, एक फिंगर इसके अंदर इस तरह से, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कैंची मसाज। तो आप इस तरह से कैंची मसाज भी अपने जो फोरहेड पर कर सकते हैं। इसको इस मसाज को करने से जो आपकी फोरहेड पर रिंकल की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो आप इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आप मसाज करें, तो आपको 5 मिनट तक लगातार इस तरह से मसाज करनी है। और जो आपके डार्क सर्कल है उनको रिड्यूस करने के लिए जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसकी मदद से आपको इस तरह से हल्के हाथों से आपको इस पर इस तरह से मसाज करनी है ताकि जो भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो शहद के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो आपके डार्क सर्कल को पूरी तरह से रिमूव कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपके आसपास की जो त्वचा होती है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो शहद की मदद से वो स्किन वहाँ की सॉफ्ट हो जाती है और रिंकल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो शहद से मसाज करने के बाद है वो आपको इस शहद को हटाना नहीं है, इसी पर हम फेस पैक लगाएंगे। और फेस पैक किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें सबसे पहले जो चीज़ डालेंगे हम वो शहद ही डालेंगे फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच शहद डाल दिया है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ वो है मूंग का आटा, जो हमारी स्किन को फेयर बनाता है और दाग धब्बों को दूर करता है और आपकी स्किन के अंदर एक अच्छा सा ग्लो लेकर आता है। तो हम यहाँ 1 चम्मच इसके अंदर ये मूंग का आटा मैंने डाल दिया है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ वो है मिल्क, तो आप इसमें थोड़ा दूध मिला लीजिए जिससे जो हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। चौथी जो खास चीज़ मैं मिलाने जा रही हूँ वो है विटामिन ई का 1 कैप्सूल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि जो भी हमारे स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ है, रिंकल की समस्या है, वो ये फेस पैक दूर कर देगा। तो हम यहाँ पर विटामिन ई का ये 1 फोरहेड का कैप्सूल, तरह से इस कैप्सूल को इसके अंदर अच्छी तरह से इस ऑयल को हम डाल देंगे। तो हमारी स्किन पर जो भी डार्क स्पॉट हैं या जो भी दाग धब्बे हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो हम इसको अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। आप देखिए इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उसी तरह से इस फेस पैक को बनाना है ताकि आपकी स्किन पर अच्छा ग्लो आए। तो इस तरह से हम इस पेस्ट को बना लेंगे। आपको इस पेस्ट को ज़्यादा लिक्विड ही नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाना है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कुछ इस तरह का पेस्ट बन जाएगा ताकि चेहरे पर अच्छी तरह से ये लग जाए। आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसको 7 दिनों के बाद में इस फेशियल को कर सकते हैं, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तब आप इसको 15 दिनों में एक बार कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अप्लाई कर लें। आप चाहे तो ब्रश की मदद से लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर हाथ की मदद से लगा रही हूँ। आप इस फेस पैक को अपनी आंखों के पास भी लगा सकते हैं, तरह से इससे जो झुर्रियों की समस्या वो काफी हद तक कम हो जाएगी। फेस पैक को मैंने अपने चेहरे पर लगा लिया है, अब इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे और 15 मिनट बाद में इसको वॉश कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ मैं इसको। मैंने अपने चेहरे को देखिए अच्छी तरह से धो लिया और साफ कर लिया आपके सामने, ये देखिए, और स्किन है वो एकदम साफ और स्मूथ हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये फेशियल कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इसका आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फेशियल है, आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आप देखेंगे स्किन काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी और जो भी स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी एकदम। तो इस फेशियल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से आप अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा फ्रेंड्स, ताकि नई नई वीडियो मैं आपके लिए इसी तरह से लाती रहूँ। थैंक यू दोस्तों।